Starting with the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. Assalamu alaikum students, hope you are fine and enjoying good health. It's our lecture number 9. ऐसे writing जैसे कि हम कर रहे हैं वो ऐसे writing है हम लोगों का last के लोगों ने उनसे topics पर एक आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है Why I Love Pakistan. कि मैं अपने पाकिस्तान से क्यों प्यार करता हूँ ये हम लोगों ने पढ़ना है. ठीक है कि हम लोग पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत करते हैं कि अपनी जो मुहिबुल वतनी है वो इंसान पेश करना है. इंसान अपने मुल्क के लिए कैसे सेक्रीफाइस कर सकता है, कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की कर सकता है, अपने मुल्क के बारे में कि उसकी इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो कैसे बयान करता है, ये सब कुछ हम देखेंगे वाई आई लव पाकिस्तान. ठीक, पहले कोटेशंस देख लेते हैं. ठीक है, आई ओनली रिग्रेट दैट रिग्रेट है कि अफसोस करना दैट आई हैव वन लाइफ टू लूज उस कहते हैं हार्ट है फॉर माई कंट्री. कि किसी ने कहा कि मुझे सिर्फ अफसोस है कि मेरे पास सिर्फ एक जिंदगी है कि मैं अपने मुल्क के लिए उसको हार जाऊँ उसको कुर्बान कर सकूँ. ये हो गया आई ओनली रिग्रेट दैट आई हैव वन लाइफ टू लूज फॉर माई कंट्री कि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है. मुझे ये अफसोस है कि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है जिसको मैं अपने कंट्री के लिए अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर सकूँ. उसके बाद पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म कहते हैं मुहिबुल वतनी को इज द लास्ट रिफ्यूज, रिफ्यूज कहते हैं पनाह. ठीक है कि जो मुहिबुल वतनी है वो आखिरी पनाहगाह है हमारे लिए कि अगर हम लोग अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते हैं तो हम लोगों को वहाँ पर रहने का भी कोई हक नहीं होना चाहिए. कि हम लोग वहाँ पर क्यों रुके हुए हैं, हम लोगों को फिर वहाँ पर रहने का हक भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, आगे है पैट्रियटिज्म कंसिस्ट नॉट इन वेविंग द फ्लैग कि जो मुहिबुल वतनी है सिर्फ इस चीज़ पे कंसिस्ट नहीं होती, मुश्किल नहीं होती. वेविंग कहते हैं लहरा, फ्लैग्स झंडे को लहरा देना. बट इट्स ट्राइबिंग लेकिन के इस चीज़ का नाम है दैट आर कंट्री शैल बी राइट प्लेस एज वेल एज इट्स नाउ. कि पैट्रियटिज्म इस चीज़ पे मुश्किल है कि हमारा कंट्री है वो अच्छा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए. ठीक है, पैट्रियटिज्म कंसिस्ट ऑफ जैसे कि हम लोगों के आप और आजकल का हम लोग समझते हैं बस होती का गर्ज को फ्लैग ना देने से वो बिल्कुल बदल नहीं बन जाते हैं. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जब तक आप इस विलिंग पावर में नहीं होते हैं कि आप लोग अपने मुल्क के लिए अपनी जिंदगियाँ जो है वो कुर्बान कर सकें तो आपका आप अपने वतन से मोहब्बत नहीं कर सकते हैं. आप लोगों के अंदर जज्बा होना चाहिए अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देने का. जब भी आप लोगों को मुल्क को आप लोगों की ज़रूरत हो आप बिना किसी सोचे समझे उसके लिए उसको बचाने के लिए मुल्क की हिफाजत करने के लिए अपने आप की जो जान है वो कुर्बान कर सकें. So, patriotism consists not in waving the flag, but in striving that our country shall be righteous as well as so strong. उसके बाद lovely and honorable के इज्जत वाली और प्यारी चीज कौन सी है. It is to die for one's country. सिर्फ एक चीज है वो ये है कि अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना. कि वो एक ही चीज प्यारी और इज्जत वाली है वो है अपनी जान अपने आप को मौत के घाट उतारना सिर्फ अपने कंट्री के लिए. सो ये कोटेशन से आप लोगों की हम लोगों ने उछाट करनी है रीडिंग इसकी लेंथ में आप लोगों का जो ऐसे है उसके लिए करवा रही हूँ. ठीक है, व्हाई आई लव पाकिस्तान. पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म कहते हैं मुहिबुल वतनी को इस अ फेयरली
माउंटेन कहते हैं चश्मा को। ये बुलबुल बत्ती जो है वो एक बलबला अंगेज चश्मा है। फ्रॉम विच स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स कहते हैं निकलना, द स्वीट स्ट्रीम ऑफ लव, कि जिसमें एक प्यारी सी प्यार की झील जो है निकलती है। इट इज द लव ऑफ वंस कंट्री नेशन, क्या है हमें बुलबुल प्यार है एक इंसान के अपने मुल्क से मोहब्बत करने के लिए, अपनी कौम से मोहब्बत करने का नाम है, अपनी जो सकाफत है अपनी तहजीब है उसके उससे मोहब्बत करने का नाम है। लॉ सनम से मोहब्बत का नाम है, मुनीबल द लैंड और जमीन से मोहब्बत करने का नाम है। नो डाउट कोई शक नहीं, अ मैन बिकम्स इमोशनली, इमोशनली कहते हैं जिस बात को ऊपर अटैच टू द प्लेस विद द देव्स के, एक इंसान जो है बाकी तौर पर अटैच हो जाता है उस जगह के साथ जहाँ पर वो रहता है। सो पैट्रियटिज्म इज अ नेचुरल एक्सप्रेशन की हमारे अंदर उधर से जज्बा है। आई ऑल्सो लव माई कंट्री वेरी मच, कि मैं भी अपने वतन से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आई लव माई कंट्री फॉर इट्स आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी जैसे कि आप अपने पाचड़ी से भी पढ़ा होगा, नजरिया भी हमारे जो पाकिस्तान का पाकिस्तान बनने का एक नजरिया था कि हम लोगों को अपने इस्लाम के मुताबिक अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी थी, एंड वी कुडंट सर्वाइव द देवर इन सब कॉन्टिनेंट हिंदुस, के हिंदुओं के साथ हम लोग नहीं रह सकते थे सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि वो मुसलमानों की रस्म और रवाज जो थे उन पर वो रोडे उठाते थे, वो सही से इबादत नहीं करने देते थे। सो मुस्लिम्स वांटेड टू हैव देयर सेपरेट होम लैंड। आई लव माय कंट्री फॉर इट्स आइडियोलॉजी, प्रॉबेबली प्रॉबेबली कहते हैं गालिबन, दिस इज द ओनली स्टेट इन द वर्ल्ड दैट वाज एस्टैब्लिश कहते हैं बनना ऑन द बेसिस ऑफ सम आइडियोलॉजी, कि शायद ये यही एक ऐसी स्टेट है जिसका एक अपना नजरिया था जब इसके बदले में एक नजरिया है। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक जमहूरियत स्टेट, इस्लाम पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया स्टेट है, इट वॉज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ इस्लाम, और यही एक सरजमीन है जो इस्लाम की वजह से वजूद में आई थी। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज टोटली बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कानून को, इसका जो कानून है वो टोटली किस पर बेस करता है, इस्लामिक कानून के मुताबिक। इट इज रिकॉर्डेड एज सेक्रेड, सेक्रेड सेक्रेड कहते हैं होली गुरुवर्ण। सिटैडल, सिटैडल कहते हैं किला ऑफ इस्लाम, के गुरुवर्ण किला है इस्लाम का। इट इज अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह है वेयर वी फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड, जहाँ पर हम लोग महफूज और हिफाजत में होते हैं। वी फील फ्री टू फॉलो द फुटस्टेप्स, फुटस्टेप्स कहते हैं नक्शे कदम, ऑफ आवर फोरफादर्स, फोरफादर्स अबाउट द स्टार को। क्या कहता है कि मैं अपने आप को फ्री फील करता हूँ कि मैं अपने अबाउट द स्टार के नक्शे कदम पर चल सकूँ। आई लव माय कंट्री फॉर इट्स पीपल, पहले वो सबसे पहले अपने डेफिनेशन पर चल बताई है पैट्रियटिज्म की, देन उसने बताई है आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री बताई, देन अब पीपल के बारे में बता रहा है कि पीपल कैसे हैं। आई लव माय कंट्री फॉर इट्स पीपल, इट इज़ अ प्लेस ऑफ ग्रेट मैन, कि एक अजीम इंसानों की जमीन है। इट इज़ अ प्लेस वेयर कायदेआज़म अटले, कि ये वो जगह है जहाँ पर कायदेआज़म पैदा हुए, रहते थे, पैदा हुए। इज अ प्लेस वेयर द ग्रेट रिलीजियस स्कॉलर्स, स्कॉलर्स कहते हैं उलमा, बोला इकातागंज और शाहजहाँ फरीद एंड बाबा भोले शाह हटले, कि ये वो जगह है जहाँ पर नज़ीम उलमा कौन कौन से इकातागंज और शाहजहाँ गुलाम फरीद एंड बाबा भोले शाह रहते थे। इट इज अ प्लेस वेयर ग्रेट पोएट्स लाइक अफीज जलील करीम फ़ारिज़ अहमद फ़ैज़ एंड मजीद अमजद हार्टब्रेक देयर लास्ट, के यहाँ पर एक अजीम शायर ने अपना सांस लिया, कि सांस प्लेस ऑफ ग्रेट वैरियर्स, कि ये एक अजीम जगह है लड़ने वालों के रहने की, कि जब यहाँ पे अजीम लोग गुजरे हैं जो अपनी भगा के लिए हमेशा लड़ते आए थे। एंड देन इट इज अ प्लेस, और फिर ये वो जगह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लिव्स, जहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग रहते हैं। मेरा ब्लेसिंग विद द सॉन्ग है।
आवाज़ है। उसके बाद है आई लव माय कंट्री फॉर इट्स ब्यूटीफुल सीनरी। अब कहता है इसके लैंडस्केप्स जो हैं वो उनकी वजह से जो है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है कि आई लव माय कंट्री फॉर इट्स ब्यूटीफुल सीनरी। सीनरी कहते हैं मनाज़िर को कि मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ इसके अजीम मनाज़िर की वजह से। गोल्डन ट्रेडिशंस के अजीम तहजीब है जो है फर्टाइल फील्ड्स एंड हिल्स जमीन की वजह से। इट इज़ अ लैंड ऑफ फॉरेस्टेड वैलीज माइटी माउंटेन्स। ये जगह है घने वादियों की माइटी माउंटेन्स ऊंचे पहाड़ों की फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के तेज चलते हुए दरियाओं की सर्जिंग स्ट्रीम्स मोज हिल्स नदियाँ लश कितने ज़्यादा ग्रीन फील्ड्स सब फ्रूटफुल फ्लावरिंग गार्डन के फलदार फूलदार बाग ब्यूटीफुल लैंडस्केप जमीनी मंजर को कहते हैं। प्यारे से जमीनी मंजर सब्सटेंशियल काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज वसाई एंड थ्राइविंग इंडस्ट्री फलती फूलती इंडस्ट्री। इट इज़ अ लैंड ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चर। ये एक लंबे खड़े होने वाला कल्चर है, कल्चर की जमीन है। टाइम ट्रेडिशन के टाइम को इज्जत देने वाली तहजीब है। सॉलेम रिचुअल्स, रिचुअल्स कहते हैं त्यौहार को, कि मुबारक त्यौहार की जमीन है। एंड इट इज़ अ लैंड ऑफ इट इज़ द लैंड ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चर टाइम ट्रेडिशन सॉलेम रिचुअल्स एंड लॉन्ग एस्टैब्लिश कस्टम्स के जो वो देर से बने हुए कस्टम्स हैं उसकी सरजमीन। इट इज़ द लैंड ऑफ एंशिएंट कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पुराने सिविलाइजेशन एज। ये वो ज़मीन है बहुत ही कदीम रवाज तहजीब की जमीन है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा एंड टेक्सिला आर नाउन फॉर देयर एंशिएंट हेरिटेज हेरिटेज कहते हैं बिरसा को। ये चीज़ें मोहनजोदड़ो हड़प्पा एंड टेक्सिला एंशिएंट बिरसे में के लिए मशहूर हैं। एंटीक एंटीक कहते हैं पुराने जमाने एंड फाइनल रेलिक्स। रेलिक्स कहते हैं कदीम यादगारें कि हम लोगों को पुराने ज़माने के आसार नज़र आते हैं एंड कदीम यादगारें हम लोगों को नज़र आती हैं। अक्सर जब हम जाते हैं डिफरेंट सिटीज़ में तो हम लोगों को कदीम चीज़ें नज़र आती हैं। आई लव माई कंट्री फॉर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज कि मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ इसकी जो कुदरती ज़राए हैं उनकी वजह से। ऑयल कोल नेचुरल गैस मार्बल प्रेशियस स्टोन्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड हियर। सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से मिलती हैं। इट्स विलेज विलेज इज पॉसिबल इमेंस इमेंस कहते हैं बहुत बड़े रूरल चॉम्स कि बहुत ज़्यादा सर्दी है इसके देखी इलाकों में एंड नेचुरल ब्यूटी वहाँ पर कुदरती जो खूबसूरती है वहाँ है। इट्स सिटीज पार्क कलर फुल गाला एंड फेस्टिविटी के इसके जो सिटीज हैं वो दमकते हैं अपनी रंगीन खुशी से एंड फेस्टिविटी ऐशो निशाब से। इट ग्लोज विद नेचुरल एंड मैन मेड ब्रिलियंस के चमक दमक से ये चमकते हैं। इट सिटीज़ आर टीमिंग टीमिंग कहते हैं लबरेज होना विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स ऑफिसिस ब्रॉड रोड्स के इसके जो शहर वो भरे भरे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हॉस्पिटल से ऑफिस से ब्रॉड रोड से हाई स्पीड रेलवे से लार्ज एयरपोर्ट से शॉपिंग प्लाजाज बिग बाजार्स एंड पब्लिक पार्क। इट्स विलेजेस आर सराउंडेड बाई टॉल ट्रीज फर्टाइल फील्ड्स रूरल और लैंडस्केप फ्रूटफुल गार्डन्स एंड पब्लिक स्ट्रीम जिसके जो गांव हैं वो भरे हुए हैं साफ़ सुथरी हवाओं के साथ खेतों के साथ लंबे लंबे दरख्तों के साथ फलदार गार्डन्स के साथ गुनगुनाती हुई झीलों के साथ। ऑल बेसिक फैसिलिटीज विल बी एंजॉयड इन रूरल एरियाज हेयर एज आई लव माई कंट्री। यहाँ पे अब कंक्लूजन बता रहा है एज आई लव माई कंट्री आई हैव डेवोटेड ऑल ऑफ माई टाइम फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी के जब मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ तो मैं अपनी इसकी खुशहाली के लिए अपना सारा वक्फ कर देता हूँ। आई एम डिटर्मिन कहते हैं पुरअज़म होना टू प्रोपिगेट द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द सर्कल ऑफ माई फ्रेंड एंड एक्वेंटेंसेस कहते हैं वाकिफ कार मे आई एफर्ट्स बियर फ्रूटफुल के मैं इसकी पुरअज़म होकर इसका जो नज़रिया है पाकिस्तान का वो अपने दोस्तों पर और अपने वाकिफ कारों पर
फैलाता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस मेरी मेहनत का फल ले आए। आज के लिए ये टॉपिक था हम लोगों का वायला पाकिस्तान। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।